I hope that you all are fit and fine. Dear kids, in essays previously I had explained you chapter 13, travel time. And today I am going to explain you chapter 17, water. आज हम water के बारे में पढ़ेंगे. So let's begin. Water is an important natural resource. जो water है वो naturally हमें मिलता है, right? तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स. और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? यस, बिकॉज हम पानी के बगैर नहीं रह सकते हैं. जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सबको पानी की जरूरत पड़ती है ना, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो या हम हो या बर्ड्स हो, सबको ही पानी की जरूरत पड़ती है. तो कोई भी लिविंग बींग्स वाटर के बगैर नहीं रह सकता है. जैसे अगर हम प्लांट्स को पानी नहीं देंगे तो वो सूख जाएंगे. अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो क्या हम पानी के बगैर रह सकते हैं? नो, राइट? वी यूज वाटर फॉर वेरियस जॉब्स. हम वाटर का यूज अलग अलग काम में करते हैं ना. वी ड्रिंक वाटर व्हेन वी आर थर्स्टी. और हम पानी कब पीते हैं? जब हमें पानी की प्यास लगती है तब हम पानी पीते हैं. वी नीड वाटर टू कुक फूड. और खाना बनाने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है, राइट? We wash our utensils and clothes with water. हम हमारे कपड़े बर्तन भी पानी से वॉश करते हैं. Don't you enjoy taking a bath under a shower after a hot and dusty day outside? और kids, जब आप पूरे दिन बाहर घूमते हो फिर घर वापस आकर आप एक बाथ लेना कितना पसंद है. आप घर आके नहाते हो तो आप कितना फ्रेश हो जाते हो, राइट? प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर जस्ट लाइक वी डू. तो जैसे हमें पानी की ज़रूरत है, इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स को भी पानी की ज़रूरत है. जैसे कि आप देख सकते हो कि हम लोग कुकिंग में, ब्रश करने में, फिर कपड़े धोने में, वाटर प्लांट्स को देने में, फिर एनिमल्स को नहलाने में और ड्रिंकिंग में वाटर का यूज़ करते हैं, राइट? So kids, let's see about sources of water. कि हमें पानी कहाँ से मिलता है. You turn the tap on when you want water. जब भी आपको पानी की जरूरत पड़ती है तो आप तुरंत नल खोलते हो और पानी आ जाता है, right? But do you know where the water comes into the tap from? तो क्या आपको पता है कि हमारे जो टैप्स है, नल है, उसमें पानी कहाँ से आता है? There are many sources of water. तो पानी के बहुत से सोर्स है. रेनफॉल इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. और सबसे बड़ा जो पानी का सोर्स है वो क्या है? रेनफॉल है. जब बारिश गिरती है तो पानी जमीन पर गिरता है, राइट? तो सबसे बड़ा पानी का सोर्स कौन सा है? रेनफॉल है. वी ऑल्सो टेक वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स. और हम पानी और भी कहाँ से लेते हैं? लेक्स में से, तालाब में से, राइट? फिर पॉन्ड्स होते हैं या रिवर्स होती है. तो इस तरह से ये भी पानी के सोर्सेज है जहाँ से हम पानी का यूज करते हैं. दिस वाटर इज क्लीन एट द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट एंड देन डिलीवर टू आर हाउस थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स. तो जो रिवर्स में, लेक्स में या पॉन्ड्स में पानी होता है वो पानी को बहुत सारे ऐसे वाटर डिपार्टमेंट होते हैं, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट होते हैं, जहाँ पर वाटर को क्लीन किया जाता है और फिर हमारे नल तक वो पानी को पाइपलाइन के थ्रू पहुँचाया जाता है. वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम वेल्स, हैंडपम्प्स एंड ट्यूब वेल्स. और जैसे विलेजेस है तो वहाँ पर पानी कहाँ से आता है? तो वहाँ पर वेल्स होंगे, मतलब कि कुएँ होंगे, कि हैंडपम्प या तो फिर ट्यूबवेल्स की मदद से वाटर जो है वो हमें मिलता है. नाउ किड्स, लेट्स सी अबाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर. वी मस्ट ऑलवेज ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर. हमें ऑलवेज कैसा पानी पीना चाहिए? क्लीन और प्योर वाटर पीना चाहिए. इफ़ वी ड्रिंक डर्टी वाटर वी कैन फॉल सिक. अगर हम गंदा पानी पियेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे. वी कैन सफर फ्रॉम डिजीजेज लाइक कॉलेरा एंड जॉन्डिस. और फिर हमें डिजीज भी होंगे जैसे कि कॉलेरा या तो जॉन्डिस, राइट? और हम बीमार पड़ेंगे. तो इसीलिए ऑलवेज हमें क्लीन और प्योर वाटर ही पीना चाहिए. हैव यू सीन दैट योर मदर ऑलवेज गिव्स यू वाटर दैट इज क्लीन एंड फिल्टर्ड. तो क्या आपने देखा है कि आपकी मम्मी जो है वो आपको जो पानी देते हैं पीने के लिए वो ऑलवेज क्लीन और फिल्टर किया होता है. अब तो हम सबके घर में प्योरीफाइज आ गए हैं, राइट? तो हम हमारे घर में पानी को फिल्टर करते हैं और क्लीन करते हैं, उसको प्योर करते हैं. बॉइलिंग वाटर डिस्ट्रॉय ऑल द जर्म्स इन इट. और जिनके भी घर में प्योरीफाई नहीं है वो वाटर को बॉइल करके उसके अंदर जितने भी जर्म्स है उन्हें हम मार सकते हैं. और इस तरह से वाटर को बॉइल करने से सारे जर्म्स मर जाते हैं.
बॉइल वाटर इज फिल्टर्ड टू रिमूव द इम्प्योरिटीज इन इट। तो वाटर को बॉइल क्यों किया जाता है? ताकि वाटर के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज है, जितने भी खराब जर्म्स है या जो भी इम्प्योरिटीज है, वो बॉइल करने से चली जाती है। तो इसीलिए पानी पीने से पहले हम उसे बॉइल करते हैं। वी शुड नेवर ड्रिंक वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर बॉटल, फिल अ ग्लास विथ वाटर एंड ड्रिंक फ्रॉम इट। और किड्स, आप सबके घर में वाटर बॉटल्स भरी होती है, राइट? तो आपको डायरेक्टली बॉटल से ही पानी नहीं पीना है। आप कैसे पानी पियोगे? यस, सबसे पहले आपको ग्लास में पानी लेना है और जितना चाहिए उतना ही ग्लास में भी निकालना है और फिर उसको पीना है। अगर आप ज़्यादा पानी ग्लास के अंदर निकालोगे और फिर थोड़ा पानी पीकर थोड़ा फेंक दोगे तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको वाटर बॉटल से डायरेक्ट पानी नहीं पीना है, जितना चाहिए उतना ग्लास में लेकर ही पानी पीना है। कीप ड्रिंकिंग वाटर कवर्ड, और आपको जो पानी है, पीने का पानी जो है, उसे कवर करके रखना है। आपको पीने का पानी कभी भी खुला नहीं रखना है, क्योंकि अगर उसको आप ओपन रखोगे तो फिर उसमें कचरा गिरेगा या डर्ट या डस्ट कुछ भी गिरेगा। वॉश द स्टोरिंग वेसल्स रेगुलरली, फिर जिसके अंदर आप पानी भरते हो उसको भी आपको ऑलवेज डेली वॉश करना चाहिए। जैसे आपके घर में पॉट में पानी फिल किया जाता है, जो भी ड्रिंकिंग वाटर है उसको पॉट में भरा जाता है, राइट? या तो किसी के घर में वाटर कूलर में, या तो किसी के घर में वाटर बॉटल्स के अंदर पानी फिल किया जाता होगा। तो रोज़ आपको वो पॉट को या वाटर कूलर को या तो फिर बॉटल्स को वॉश करना ही चाहिए। वॉश आवर हैंड्स बिफोर ड्रिंकिंग और सर्विंग वाटर, और जब भी हम पानी पीते हैं या तो किसी को वाटर सर्व करते हैं तो भी हमें अपने हाथों को वॉश करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने हैंड्स को वॉश नहीं करोगे तो क्या होगा कि ग्लास के ऊपर या गंदे आपके हाथों के निशान पड़ जाएंगे, राइट? या अगर आप डायरेक्टली मटकी के अंदर अपने हाथ को डालोगे तो आपके जो जर्म से हाथ के वो पानी में जाएंगे। तो इसीलिए ऑलवेज हमें हैंड वॉश करना है और उसके बाद ही हमें पानी पीना है, या तो फिर किसी को अगर हम सर्व भी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने हैंड वॉश करने हैं। सो किड्स, गॉट इट ऑल ऑफ यू? सबको समझ आया? देन इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विथ नोट्स एक्सप्लेनेशन। ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से रीड करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।